जी हेलो है, नमस्कार। मैं नवीन चौधरी, आप देख रहे हैं लर्निंग बाय डूइंग। कैसे हैं सब? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे, तंदुरुस्त होंगे। सबने सीटेट का पेपर मैच कर लिया है, काफी टीचरों ने करवाया है, यूट्यूब पे तो कर लिया होगा, पर कुछ ऐसे विवादित प्रश्न है। तो कोई टीचर कौन सा ही करवा रहा है, कौन सा भी ऑप्शन बता रहा है, कोई टीचर कौन सा भी बता रहा है। तो आज बात करेंगे इसकी इस वीडियो में अपन कि उन विवादित प्रश्नों का 90% कौन सा ऑप्शन होने के चांसेज है, विथ सबूत। आपको बुक की साथ में क्या दिखाया जाएगा, सबूत दिखाया जाएगा, उसके अनुसार आज हम उन विवादित प्रश्नों की जानकारी लेंगे। किस सब्जेक्ट के आज इस वीडियो में हम सिर्फ सीडीपी के जो विवादित प्रश्न है पेपर फर्स्ट के, उनके बारे में जानकारी लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर चैनल पे नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक एक सब्सक्राइब बहुत हमारे लिए मोटिवेशन होता है। तो इतना काम आप जरूर कर दें, ये आपकी जवाबदारी है। अगर आपका फिर भी किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप इंस्टा पे, फेसबुक पे और टेलीग्राम पे आपको इन प्रश्नों की पीडीएफ मिल जाएगी, तो आप इंस्टा पे पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। उम्मीद करता हूँ सबका पेपर भी अच्छा हुआ होगा, सबके आराम से क्लियर हो रहे होंगे। एक मिनट। ये रहा आपके सामने पहला प्रश्न, ठीक है। पहला प्रश्न क्या है आपका, थोड़ा सा ब्राइटनेस बढ़ा ले। पहला प्रश्न आपका, किस आयु में बच्चे शब्दों के खेल में शामिल हो सकते हैं? क्या शब्दों के खेल में, क्या पूछा गया, शब्दों के खेल में शामिल हो सकते हैं बच्चे? ऐसा नहीं बोला गया कि शब्दों के खेल में शामिल हो जाते हैं, हो सकते हैं, हो सकता है बच्चा, कोई बच्चा 3 वर्ष का हो जाए, कोई 4 वर्ष का शामिल हो जाए, कोई 5 वर्ष का हो जाए, तो ये क्या है, शामिल हो सकते हैं। आपके क्या है, व्यक्तिगत भिन्नताओं के अनुसार, व्यक्तिगत भिन्नताओं के अनुसार बच्चे की उम्र में आपका अंतर आ सकता है, ठीक है। तो इसमें फिर और ऐसे चुटकुले और पहेलियों को पसंद कर सकते हैं। पसंद करना अलग चीज होती है, उनमें रुचि लेना अलग चीज होती है। एक बच्चे को आप कहानी सिखा रहे हो, सुना रहे हो, तो उसमें क्या लेगा, रुचि लेगा, अच्छे से सुनेगा, सतर्क होकर सुनेगा। एक तो वो होता है, एक होता है बच्चे खुद कहानियां पढ़ने लग जाते हैं, खुद कहानियां बताने लग जाते हैं। तो इसमें फिर जिसमें शब्दों का खेल शामिल, तो इसमें देखा जाए कुछ तो बता रहे हैं 7 वर्ष, कुछ बता रहे हैं 3 वर्ष। तो इन दो प्रश्नों में क्या है, डाउट बना हुआ है बच्चों में, इनमें से कौन सा होगा। 50% बच्चों ने ये किया है, 50% ने ये किया है। अगर देखा जाए किसी वैज्ञानिक के अनुसार, किसी मनोवैज्ञानिक के अनुसार, तो उन्होंने क्या बताया है, एक जैसे स्ट्रिंग नाम के वैज्ञानिक हुए अपने, कौन, स्ट्रिंग नाम के वैज्ञानिक ने एक क्या दिया, परिभाषा दिया। उस परिभाषा को मैं आपको पढ़कर बताता हूं, उन्होंने क्या कहा है, स्ट्रिंग ने कहा है कि शिशु अपने और अपने संसार के बारे में अधिकांश बातें खेल से समझ लेता है। स्ट्रिंग ने कहा है शिशु अपने और, मैं बोल के बता, शिशु अपने और अपने संसार के बारे में अधिकांश बातें, अधिकांश ज्ञान क्या करता है, शेष अवस्था में सीख लेते हैं। शेष अवस्था 0 से 2 वर्ष होती है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन 2 वर्ष तो है नहीं, तो इसमें क्या है आपका, 3 वर्ष। तो अपन मानेंगे 3 वर्ष, फिर ऐसे ही करो एंड करो ने कहा है कि 4 वर्ष का 5 वर्ष का बालक चित्रों के माध्यम से या शब्दों के माध्यम से अपने सब चित्रों के माध्यम से और शब्दों के माध्यम से चित्र देखना पसंद करता है, उससे ज्यादा समझता है। तो उनके अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये अपना 90% इस क्वेश्चन में अपना ऑप्शन नंबर 4 होने की संभावना है। उम्मीद करता हूं 100% भी ये सही हो, 10% आपकी इस क्वेश्चन में ए ऑप्शन होने की संभावना है, ठीक है। फिर चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। फिर है आपका ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा विवाद में बना हुआ है, इसमें कौन सा होगा। इसमें देखें प्रारंभिक बाल्यावस्था में वृद्धि, पहले देखें प्रारंभिक बाल्यावस्था होती कितनी है, कुछ मैंने साथ में प्रूफ लेके आया हूं आपके लिए। प्रारंभिक बाल्यावस्था होती है आपकी 2 वर्ष से 5 वर्ष तक, कितनी, 2 वर्ष से 5 वर्ष तक। फिर होती है आपकी मध्य बाल्यावस्था, 6 वर्ष से 12 वर्ष तक, ठीक है। इसमें प्रारंभिक बाल्यावस्था में वृद्धि धीमी होती है या स्थिर होती है, ये तो कट गया आपका, दो ऑप्शन तो आप काट दीजिए, कौन से, एक तो ये काट दीजिए और दूसरा कौन सा, धीमी तार्किक, एक ये काट दीजिए, ये दो ऑप्शन कट गए होंगे इनमें से, दो में से एक। तो कोई टीचर बता रहा है दूसरा होगा, कोई बता रहा है तीसरा होगा, ठीक है। तो इस पे चर्चा करेंगे, प्रारंभिक बाल्यावस्था में वृद्धि, प्रारंभिक बाल्यावस्था मतलब 2 वर्ष से 5 वर्ष, 2 वर्ष से 5 वर्ष तक वृद्धि कैसी होती है,
शिशु अवस्था में सबसे ज्यादा शारीरिक विकास होता है, शिशु अवस्था में जन्म से 2 वर्ष तक, ठीक है, जन्म से 2 वर्ष तक तीव्र विकास होता है, ठीक है, जन्म से 2 वर्ष तक तीव्र विकास होता है शारीरिक विकास, तीव्र शारीरिक विकास होता है। तो जन्म से 2 वर्ष तक शारीरिक विकास होता है, तो प्रारंभिक बाल्यावस्था 3 वर्ष से शुरू हो जाएगी, या 2 वर्ष से मान लीजिए, 3 वर्ष से मान लीजिए, तो उसमें क्या होगा, क्या शिथर थोड़ी हो जाएगी, उसमें शिथर थोड़ी, ऐसे थोड़ी है विकास, ऐसे थोड़ी है विकास एक सरल रेखा में हो रहा है, ऐसा तो है नहीं कि विकास एक सरल रेखा में हो रहा है, ठीक है। तो मतलब ये विकास है, ऐसे तो ये सरल रेखा में होगा, विकास अपना कैसे होता है, कलर चेंज कर लेंगे, सरल रेखा में तो होगा नहीं, विकास होता है अपना वर्तुलाकार, ठीक है, कभी कम कभी ज्यादा, ठीक है, ऐसे देखें तो अपन ऐसे देख सकते हैं, वर्तुलाकार होता है, ठीक है। तो वर्तुलाकार होता है तो अचानक से तो विकास रुकेगा नहीं, कि वो शिशुअवस्था से निकला, ठीक है, शिशुअवस्था, शिशुअवस्था से निकला, जैसे प्रारंभिक बाल्यावस्था में एंट्री किया, प्रारंभिक बाल्यावस्था में एंटर किया और झटदे से वो एकदम शिथिल हो गया, शिथिल होने का मतलब ये होता है वो झटदे से नीचे आ गया, और उसमें ऑप्शन में क्या दिया गया है हमें कि प्रारंभिक बाल्यावस्था में वृद्धि शिथिल होती है, टीचर कुछ टीचर बताते हैं शिथिल होती है, कुछ बोलते धीमी होती है, ठीक है। तो इसमें देखा जाए अच्छे से, तो देखिए आप प्रारंभिक बाल्यावस्था में वृद्धि धीमी होती है, ठीक है, ये तो अपने काट दिए थे दो, प्रारंभिक बाल्यावस्था में वृद्धि पहले शिशुअवस्था में तीव्र होगी फिर धीमी होगी, ऐसा नहीं होगा बिल्कुल शिथिल हो जाएगी, बिल्कुल शिथिल नहीं होगी, पहले धीमी होगी फिर धीरे धीरे जाके माध्य जो आपकी जो मीडियम की मीडियम चाइल्डहुड होता है क्या मध्य बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था में जाके वो शिथिल होगी, फिर लास्ट तक वो क्या होगी आपकी बाल्यावस्था अंतिम पड़ाव में होगी, तो 11 वर्ष तब उसमें थोड़ी थोड़ी वापस स्पीड आएगी, और जैसे किशोरावस्था में एंट्री करेगी तो उसकी गति वापस बढ़ जाएगी। तो इसमें कौन सा माना जाएगा, इसमें माना जाएगा अपना ऑप्शन नंबर 2, 95% यही आपकी आंसर की में आपको ये देखने को मिलेगा। जो टीचर ये बता रहे हैं मेरे हिसाब से ये सही नहीं है, क्योंकि एंट्री करते ही बाल्यावस्था में शिथिल नहीं होती, पहले धीमी होती है, धीरे 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 उसकी स्पीड कम होती है, फिर वो एकदम शिथिल हो जाता है, फिर जैसे जैसे किशोरावस्था में बच्चा जाएगा वैसे वैसे उसकी विकास की गति और शारीरिक विकास की गति बढ़ती जाएगी, फिर वो सारी उसमें किशोरावस्था में एंट्री कर लेगा, उसके बाद में स्पीड वापस बढ़ जाएगी, ठीक है। तो इसमें होगा अपना ऑप्शन नंबर 2। फिर चलते हैं क्वेश्चन अपन, और इसमें आपको साथ में देखना है कि सबूत, इसका सबूत है, देखिए आप कि ये एक ऑथेंटिक बुक से मैंने उठाया है, जो ये देख रहे हो ना आप इतना, ये एक ऑथेंटिक बुक से उठाया है, शारीरिक विकास और मानसिक स्थिरता 6 से 7 वर्ष के बाद बालक में शारीरिक और मानसिक विकास में शिथिलता आ जाती है, 6 से 7 वर्ष के बाद, 6 वर्ष तक तो क्या होता है आपका प्रारंभिक बाल्यावस्था होती है, तो उसमें क्या गया था प्रारंभिक बाल्यावस्था में क्या होगा धीमी होगी ना कि शिथिल होगी, प्रारंभिक बाल्यावस्था होगी निकलने के बाद आप मध्य बाल्यावस्था में होंगे ना, तब आपके विकास में शारीरिक विकास में आपकी शिथिलता आएगी, ना कि आपकी प्रारंभिक बाल्यावस्था में बच्चे में शिथिलता आ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। तो एक तो ये देख लीजिए आप, साथ में आप खुद समझदार हो कि शिशुअवस्था की आपने विशेषता पढ़ी है और आपने उसकी बाल्यावस्था की आपने विशेषताएं पढ़ी है, तो शिशुअवस्था में विकास तेज गति से होता है, जैसे बाल्यावस्था में एंटर करता है तो उसकी गति धीमी हो जाती है, और बाल्यावस्था के मध्य में उसकी शिथिलता आ जाती है और लास्ट तक धीरे धीरे वापस स्पीड पकड़ लेता है, जैसे किशोरावस्था में एंट्री करता है बच्चा तब, ठीक है। ये रहा आपके सामने इसका सबूत, फिर चलते हैं अपन नेक्स्ट। इस प्रश्न में हिंदी में कुछ और है, इंग्लिश में कुछ और है, देखा जाए तो वाइगोस्ट के सिद्धांत के अनुसार आंतरिक वाक बच्चों के लिए अपनी सोच को, बच्चों ने 2 ऑप्शन किए हैं उन्होंने, दोनों को मैं क्लियर कर रहा हूं 1 by 1, बच्चों के लिए अपनी सोच को नियंत्रित करने का एक तरीका, नियंत्रित करने का, वैसे नियंत्रित देखें तो बच्चे अपनी सोच को नियंत्रित नहीं करते कभी, ठीक है, नियंत्रित करने का तरीका नहीं, अपनी सोच को निर्देशित करने का एक तरीका है आंतरिक वाक, और इसमें उत्तर कौन सा सही है, कुछ बच्चों ने ये किया है कुछ बच्चों ने ये किया है, तो इसमें देखें कौन सा ऑप्शन सही होगा,
मैं भी इसमें कंफ्यूजन हूँ क्योंकि नियंत्रित इसमें इंग्लिश में देखे ना तो रेगुलेट मतलब आप विनियोजित कर रहे हो, क्या कर रहे हो विनियोजित, विनियोजित मान लो या विनियमित मान लो, विनियमित कर रहे हो मतलब अपने जो आपकी थिंकिंग है उसको आप कंटिन्यू कर रहे हो, उसको डेवलप कर रहे हो, ठीक है। इसमें यहां पे देखो तो ये नकारात्मक है तो नियंत्रित नहीं करता बच्चे अपनी सोच को, पर इसका माना कौन सा जाएगा, इसमें ए ही माना जाएगा क्योंकि साफ साफ लिखा हुआ है, आपको कौन सा मानना है इंग्लिश वाले को सही माना जाएगा, तो इसका ऑप्शन होगा आपका नंबर एक। और वैसे देखें नियमित, नियमित के प्रायोगिक शब्द देखा जाए तो इसका होता है बढ़ावा देना, ठीक है बढ़ावा देना, या वैसे देखिए नियंत्रित करने का तो होता है वश में करना आम भाषा में, पर साइकोलॉजी की भाषा में देखें तो इसका अर्थ होता है बढ़ावा देना या उसको निर्देशित करना, ठीक है। तो इसमें अपना ए हो जाएगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये क्वेश्चन डाउटफुल है, ठीक है। निम्नलिखित में पढ़े शहीद क्लब का चयन करिए, बहुत कम उम्र में दुनिया भर में अधिकांश संस्कृतियों में, दुनिया भर में अधिकांश संस्कृतियों में लड़कियां गुड़ियों को खिलौनों के रूप में चुनती है जबकि लड़के कारों के साथ खेलना पसंद करते हैं। इस कथन को देखें तो ये कथन क्या है, जो अपना लिंग का था ना जेंडर बेस वाला चैप्टर उससे बना है आपका, ठीक है इस चैप्टर से बना है। इसको देखें तो खेलना पसंद करते हैं तो ये नकारात्मक हो रहा है। नकारात्मक क्यों हो रहा है कि बच्चों में अपन को एक ऐसी भाषा का है, ऐसी पाठ्य पुस्तक का है, ऐसे परिवेश का है, ऐसे सामाजिक वातावरण का हमें क्या करना है निर्माण करना है ताकि बच्चों में लिंग रूढ़िवादिता जेंडर बेस ना फैले। तो वैसे देखें तो ये गलत है, और ऐसा देखा जाए तर्क देखा जाए कथन देखा जाए तो ये कथन एकदम सही है कि ऐसा ही होता है। फिर इसका कारण देखा जाए कि बच्चे किसी विशेष संस्कृति की अपेक्षाओं के आधार पर एक लड़के या लड़की के लिए क्या उपयुक्त माना जाता है इसके बारे में जानकारी व्यवस्थित करते हैं और उसके अनुसार ही व्यवहार करते हैं। अगर ये सही है तो ये गलत है। क्यों गलत है ये गलत है, साथ में इसकी व्याख्या भी ये सही नहीं कर रहा। ये व्याख्या सही इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि अगर ये व्याख्या सही करेगा तो ये कथन एकदम सही माना जाएगा। ये सही है, इसकी व्याख्या ये सही नहीं कर रहा, इसलिए सही नहीं कर रहा ये कि जेंडर बेस फैलता है ऐसी तरह के इस तरह की बातों से, इस तरह के वातावरण से, इस तरह की संस्कृति से। तो वो साइकोलॉजी क्या बोलता है कि जेंडर बेस को खत्म किया जाए, लिंग पक्षपात ना हो, ठीक है। तो रूढ़िवादिता को भी दर्शा रहा है तो ये गलत माना जाएगा, ये आपका सही माना जाएगा, पर ये सही माना जाएगा तो ये इसकी व्याख्या सही नहीं कर रहा। इसमें देखें ए और आर दोनों सही है, कथन दोनों सही में देखें पर तथा आर ए की सही व्याख्या करता है, ये नहीं करता व्याख्या सही। इसको अगर ये व्याख्या सही करेगा तो ये सही हो जाएगा, फिर तो जेंडर बेस को बढ़ावा मिले ही मिलेगा। तो वैसे देखें ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करा, ये इसके सही व्याख्या नहीं करा। हाँ ऐसा होता है, ऐसे करते हैं बच्चे, यहाँ पे कह दिया बहुत कम उम्र में दुनिया में अधिकांश संस्कृतियों, बहुत कम उम्र में, बहुत कम उम्र, आप 2-3 साल मान लो, 4 साल मान लो, 4 साल तक बच्चे को पता नहीं कि लड़कियां ये पहनती है, लड़के ये कपड़े पहनते हैं, लड़कियां इन चीजों में इंटरेस्ट लेती है, लड़के इन चीजों में इंटरेस्ट लेते हैं, उनको बताया जाता है फिर वो लेते हैं, ठीक है। चाहे आप 3 साल का बच्चा है उसे आप कुछ भी पहना दो, लड़कियों वाले कपड़े पहना दो, लड़की को लड़के वाले पहना दो, उन्हें इतना पता नहीं होता। तो उसमें देखा जाए तो ये अपना 80% इसको होने के चांस है, कौन से चौथे को, ए और आर दोनों सही, परंतु आर ए की व्याख्या नहीं करता, कि सही व्याख्या नहीं है, इसलिए नहीं है कि ये अगर ये सही व्याख्या करेगा तो इसमें जेंडर बेस आएगा, जेंडर बेस आएगा, या फिर ये नहीं होगा तो इसमें दोनों ही गलत होंगे आपके, ठीक है। ए और आर दोनों गलत है, 80% ये, 20% ये, इन दो में से होंगे, ठीक है। फिर चलते हैं नेक्स्ट पे, प्रतिभावान बच्चों को शिक्षित करने का उपागम जो दिख रहा है क्या आप सभी को, थोड़ा सा और जूम कर देते हैं, इतना जूम होगा भैया, इतना जूम होगा। इसमें प्रतिभावान बच्चों को शिक्षित करने का उपागम जो उन्हें असामान्य रूप से तीव्र गति के पाठ्यक्रम के माध्यम से आगे बढ़ाता है क्या कहलाता है। इसमें पाठ्यक्रम के माध्यम से देखें तो अपना संवर्धन होगा, अगर सीधा देखा जाए तो अपना त्वरण और गतिवर्धन होगा। इनमें दोनों में 50-50 चांस बन रहे हैं, ठीक है, 50 और 50, इनमें दोनों में 50-50 चांसेस बन रहे हैं, कौन सा भी हो सकता है इन दोनों में से, एक्चुअल कुछ नहीं कह सकते मगर माना लगभग
इसमें पाठ्यचर्या के माध्यम से माना जाएगा तो संवर्धन होगा वरना तवरण। इसका मतलब यह है कि प्रतिभावान बच्चे, अगर कोई छठी क्लास का बच्चा है उसे आठवीं क्लास वाली पूरा मैटर आ रहा है, वो समझ पा रहा है, आठवीं क्लास के क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहा है, समझ पा रहा है, याद कर पा रहा है, तो उस बच्चे को तिरोगति से पाठ्यक्रम के माध्यम से आगे बढ़ाता है। कौन? प्रतिभावान बच्चों में शिक्षित करने का उपागम, वो उपागम जो ऐसे बच्चों जो आठवीं क्लास छठी क्लास का बच्चा आठवीं क्लास के क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहा है तो उन क्वेश्चन को वो सॉल्व कर लेगा तो उसे आगे बढ़ाने, मतलब एक क्लास छोड़कर जंप मरवाया जाता ना है जो, वो क्या होता है आपका त्वरण या गतिवर्धन, मतलब उनको एक क्लास छोड़ के आगे वाली क्लास में बिठा दिया जाता है। जैसे कोई छठी क्लास का बच्चा होशियार है तो आठवीं में बिठा दिया, सातवीं को छोड़ के उसको जस्ट आठवीं में बिठा दिया, वो तो आपका त्वरण या गतिवर्धन। पाठ्यचर्या के माध्यम से देखा जाए तो होगा आपका संवर्धन। ठीक है, ये थे आज के कुछ क्वेश्चन। नेक्स्ट क्लास में आपको जो ईवीएस में बाकी सब्जेक्ट में जो डाउटफुल क्वेश्चन है उनकी वीडियो लेके आएंगे कल। उम्मीद है आपको सेशन अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।